दोस्तों खुशामदीद। खान के मुखालफीन को बड़ी शिकस्त, कप्तान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत से बड़ी खुशखबरी आ गई। बाजी अचानक कैसे पलट गई, वही मफामती फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो चुका जिसकी खबर हमने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अब बहुत जल्द आप खान की जमानत भी होते देखेंगे और खान इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी होगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, पूरे के पूरे खानदान के जलसों में अवाम का ना आना, खाबों का इंतजाम होने के बावजूद तादाद में कमी, बड़ों के लिए एक सवालिया निशान है। कभी 125 की लालच और कभी अपनी हुकूमत आने पर सरकारी नौकरियां तक देने के वादे, ये तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद नून लीग अपने हलकों में जाने और अवाम से हाथ तक मिलाने के काबिल नहीं रही। ये सब कुछ देखते हुए बंद कमरों में कौन से अहम फैसले हो चुके, अब होने क्या जा रहा है, आइए आपको पूरी की पूरी कहानी समझाते हैं। दोस्तों वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रावलपिंडी अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुलकरनैन ने की। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुलकरनैन ने केस की समाअत की, जिसके लिए PTI की लीगल टीम अडियाला जेल पहुंची। बैरिस्टर सलमान सफदर, शेर अफजल मरवत, राजा यासिर, उमर न्याजी, नईम हैदर पंचोथा और न्याजुल्ला न्याजी लीगल टीम में शामिल हैं, जबकि FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर और सरकारी प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी समाअत में शरीक हुए। बताया गया है कि अदालत ने मुलजिमान में चालान की नकुल तकसीम कर दी और केस की समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज जज अबुल हसनात ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI की जानिब से मैं और सलमान सफदर पेश हुए। जज को बताया कि चालान की नकुल के बगैर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI को पिंजरा नुमा कमरे में रखा गया, जिस पर जज को बताया कि इमरान खान के हवाले से हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को 9 मई के वाकयात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। 22 अफराद के जरिए बयान हल्फी लिए गए। इमरान खान के मिलिट्री कोर्स ट्रायल की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ और हकायक से आगाह करूँगा। जेल में होने वाली समाअत को हम दोबारा अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं, जबकि चेयरमैन PTI ने कहा मेरा ट्रायल जहां भी हो वर्कर्स इत्मीनान से रहें, वर्कर्स KP समेत पूरे मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां करें। दूसरी तरफ मेरे लिए यह खबर भी हैरान कुन थी जब तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में मुमकिन है पस पर्दा राबतों के जरिए डील्स की कोशिशें हों। चेयरमैन PTI इमरान खान से बात भी होगी और डील भी, लेकिन वक्त का मालूम नहीं। PDM के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बुशरा बीबी ने कोशिश की, लेकिन इमरान खान की गारंटी कोई नहीं दे रहा। जब तक सियासतदान अवाम के बजाय इक्तदार की सियासत करेगा, डील्स होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, फिर वो वज़ीरे आज़म भी बने। एक वक्त में नवाज शरीफ हाईजैकर थे, फिर आए और वज़ीरे आज़म बन गए। हाफिज हमदुल्ला ने शिकवा करते हुए कहा कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन अफसोस नून लीग के किसी फर्द ने फोन किया ना अयादत। साथ ही पूछते हैं कि नून लीग वाले अयादत के लिए क्यों नहीं आए, कोई रिवायात होती हैं, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करता हूं, फिर भी बिलावल तशरीफ लाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से राबता करके उन्हें सियासी जमातों बेशमूल PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की दरख्वास्त कर दी है। इस हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि PTI ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी उसूलन इस बात से इत्तफाक करते हैं, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा करेंगे या नहीं। ज़राए का ये भी कहना है कि PTI को 9 मई के वाकयात के बाद जिन हालात का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मायूसी पाई जाती है, ताहम पार्टी को सियासत में दोबारा वापसी का मौका नहीं मिल रहा। PTI के कुछ रहनुमाओं के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत से मालूम होता है
के 9 मई के हवाले से पीटीआई की तयशुदा पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, लेकिन पार्टी रहनुमा इस दिन पेश आने वाले वाकयात और पार्टी कारकुनों की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी पर दिखाए गए रद्दअमल पर अफसोस का इजहार करते हैं। पीटीआई के जराए ने कहा कि काश ऐसा कुछ भी ना हुआ होता, 9 मई के वाकयात ने पार्टी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इस हवाले से कहा कि हाल ही में उन्होंने सदर आरिफ अलवी से राबता करके दरख्वास्त की कि पीटीआई समेत सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग कराया जाए। इस हवाले से आजाद मुबसरीन का कहना है कि अगर सदर आरिफ अलवी ने ये इकदाम उठाया तो मुमकिन है उन्हें सियासी जमातों, बिलखसूस वो जमातें जो पीटीआई की मुखालिफ हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मस्बत जवाब नहीं मिलेगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का कहना है कि पीटीआई समेत सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू करने का पीटीआई का मौकिफ कोई नई बात नहीं। सदर आरिफ अलवी पीटीआई की जानिब से बातचीत की दरखास्त के बाद डायलॉग शुरू कराएंगे या नहीं, लेकिन उनका कहना था कि वो सदर आरिफ अलवी से मुलाकातें करते रहे हैं और एक या दो दिन में उनसे दोबारा मुलाकात भी कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में रऊफ हसन ने कहा कि सबसे पहले 9 मई के हवाले से पीटीआई की पॉलिसी ये है कि मामले की तहकीकात एक आज़ाद जुडिशियल कमीशन से कराई जाए ताकि जिम्मेदारों को सजा दी जा सके। उन्होंने वाज़े किया कि पीटीआई एक सियासी जमात है जो कानून और आइन की हदूद में रहकर सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसाक डार और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समात मुकम्मल हो गई, जिसका फैसला 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। महफूज फैसला आने के बाद पता चलेगा कि साबिक वजीर खजाना इसाक डार रेफरेंस से बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समात की तो नैब प्रोसिक्यूटर और इसाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किए। एहतसाब अदालत ने इससे कबल रेफरेंस दाखिल दफ्तर कर दिया था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेफरेंस पर दोबारा समात की गई है। दोस्तों, गेम चेंजर अक्टूबर ही होगा जब नवाज शरीफ भी वतन वापस आएंगे, जेल जाएंगे या जाती उम्रा, ये अभी फैसला होना बाकी है। इमरान खान को जमानत मिलती या फिर 14 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी, ये सब के सब सियासी फैसले हैं जो अब होने जा रहे हैं। अल्लाह जो भी करे पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। की तो नैब प्रोसिक्यूटर और इसाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किए। एहतसाब अदालत ने इससे कबल रेफरेंस दाखिल दफ्तर कर दिया था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेफरेंस पर दोबारा समात की गई है। दोस्तों, गेम चेंजर अक्टूबर ही होगा जब नवाज शरीफ भी वतन वापस आएंगे, जेल जाएंगे या जाती उम्रा, ये अभी फैसला होना बाकी है। इमरान खान को जमानत मिलती या फिर 14 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी, ये सब के सब सियासी फैसले हैं जो अब होने जा रहे हैं। अल्लाह जो भी करे पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।